दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुम्मा मुबारक के मुताबिक रमज़ान करीम का आखिरी जुम्मा, जुम्मतुल विदा। उसके बाद पेपर बनाने के लिए मैं आज एक पेज बनाऊंगा। मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं हस्ब मामूल, जैसे मैं बनाता रहता हूँ, ताकि आपके लिए कुछ और मज़ीद एक्स्ट्रा हो सके। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक्सरसाइज लूँगा। मैंने ये सारा कुछ उठा के एक साइड पर रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे फाइल का साइज़ लिया हुआ है, मैंने ये एक HD के नाम से सेव कर रखी है। आप चाहें तो यहाँ पे जो इस पेज का शेडो है, ये कोई भी हो सकता है, लेटर साइज है, यानी यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे इसको लाकर इंचेस की बजाय पिक्सल में लाएं। आप अपने वॉलपेपर के मुताबिक करेंगे। मैं अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर के मुताबिक बना रहा हूँ। मैं इसको 1920x1080 कर रहा हूँ, 1920x1080, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ से ये आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने HD दे रखा था, तो HD2 के नाम से सेव कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, फाइल का साइज 1080x1920 हो गया है। अब आप इसमें अपनी मर्जी का जो भी डिज़ाइन बनाएंगे तो ये आपके वॉलपेपर का साइज आएगा। मैंने यहाँ से ये HD लिया हुआ है, तो HD2 का जो लिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये दोनों एक ही साइज़ हैं, मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप अपनी मर्जी का साइज यहाँ पर सेव कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगल लूँगा, उसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास मैंने लिख के रखे हुए हैं टोटल फॉन्ट्स हैं, ये जुम्मतुल विदा के इन पर क्लिक करता हूँ। ये देखें अलकलम ताहिर, ये फॉन्ट के नाम है। आप यहाँ से फॉन्ट के नाम देखते जाएं, आपको इनमें से जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। ये देखें अल्फारिस 15 और नाज, ऐसे ये सब मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं। इनमें से मैंने कोई भी कैलीग्राफी नहीं ले रखी, कैलीग्राफी में भी लिए हुए हैं वो ये है। आप यहाँ पे अपनी इमेज को इंपोर्ट करें, अपनी मर्जी का बनाएं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी रमज़ान करीम, मैं कर लेता हूँ यहाँ से रमज़ान करीम, और नीचे लिखता हूँ जुम्मतुल मुबारक। देखें मैंने टाइप कर लिया। आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक फॉन्ट अप्लाई करें तो अच्छा लगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको अल भी अप्लाई करता हूँ। ये रमज़ान करीम में, अच्छा इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको किया हुआ था तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें अभी फासला ज़्यादा है, वक्फा ज़्यादा है, तो कंट्रोल क्यों करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो गया कर्व में। यहाँ से ब्रेक अपार्ट करेंगे, ब्रेक अपार्ट करने के बाद मैं इसको 1x1 स्ट्रिंग साथ में रीड करता जाऊँगा। ये देखिए क्लिक किया मैंने, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और ये साथ कर दिया इसका। ये अब क्रीम के दोनों नुक्ते थोड़े ऊपर करते हैं और यहाँ से इसको इधर लाते हैं, करीब कर देते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके करीब कर दिया। मैं इन सब को सेलेक्ट करके कंबाइन कर लेता हूँ, कंट्रोल आई या यहाँ से कंबाइन, ये कंबाइन हो गया। यहाँ से आप इसको कोई भी कलर अप्लाई करें फिलहाल, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ एडजस्ट करना चाहें कर लें। और नेक्स्ट है जुम्मतुल मुबारक, इसको भी अलवी अप्लाई करता हूँ तो ठीक है ये भी, या कोई आप चाहें तो किसी और फॉन्ट में भी देना चाहें तो दे सकते हैं। चलें
यही सही है, सब खूबसूरत है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से येलो अप्लाई किया और पी प्रेस किया, ये सेंटर ऑफ द पेज हो गया, यहाँ पे आ गया। मैंने बैक में अभी कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई पीछे फ्लावर्स वगैरह कुछ दे सकते हैं। मैं इसको जिम्मत मुबारक को छोटा करता हूँ, ऊपर जगह खाली लग रही है, तो कलर चेंज किया और इसको यहाँ पर रख दिया। ना लोगो ना नाम कुछ भी नीचे ऊपर दे सकते हैं, वॉलपेपर पर आपकी मर्ज़ी है। ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं, सेंटर में होगा और अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में ये एक सिंपल सा वॉलपेपर तैयार है। इसको मैं यहाँ पर उठा कर रख देता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया ताकि एक कॉपी बने, ये कॉपी बन गई। और अब आप इसमें तब्दीली करेंगे तो वो भी बहुत आसान है, यहाँ से आप कोई भी वॉलपेपर अप्लाई करें। मैंने कुछ वॉलपेपर रखे हुए हैं, ये जैसे ये ले लेता हूँ, बड़ा लेते हैं, जैसे कोई फ्लावर से ले लें अच्छे लगेंगे, इस्लामिक है तो इस्लामिक में उस जैसे रखने पड़ेंगे। तो पावर क्लिक करते हैं, प्लेस इन साइड कंटेनर हो गया। अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी येलो है और नीचे फूलों के जो कलर हैं वो भी येलो में ही आ रहे हैं। लाइट सा कलर कोई भी दे देते हैं नीचे और इसको शेडो दे देते हैं, अच्छे ब्लू में सही रहेगा, ज़्यादा लाइट हो जाएगा। और नीचे ये अप्लाई किया और यहाँ से इसको शेडो को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, डार्क हो गया। यहाँ से आउटसाइड देते हैं, ये देखें थोड़ा ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। असल में यहाँ देखेंगे तो ज़्यादा और क्लियर नज़र आएगा, नीचे उसकी वजह से जो फ्लावर्स हैं उनकी वजह से ये कुछ डिम सा नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर आउटलाइन भी दे सकते हैं, मेरे ख्याल में यही सही लग रहा है मुझे। अब आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इसका, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया हुआ, कन्वर्ट कर देता तो फिर फॉन्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे कर्व में। तो जैसे ये है ये दे देता हूँ, फिर से पी प्रेस किया। फॉन्ट के मुख्तलिफ साइज होते हैं, फॉन्ट का अपना एक साइज होता है जो उसको चेंज कर देता है। मैंने इसको छोटा किया, साइज बड़ा था, सेंट्रल एंड सेंटर स्पेज इसको वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे यार, वाइट ठीक है। इसको शेडो के तरीके से और भी शेडो दे सकते हैं, यहाँ से ड्रैग अप करें, राइट क्लिक कर दें, तो ये दो कापियाँ इसकी हो गई। नीचे वाले को यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से ब्लैक कर दें, ये देखिए शेडो आ गया तो थोड़ा और ये नज़र आना शुरू हो गया है। चाहें तो इसको आउटलाइन भी दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये शेडो के अलावा भी एक तरीका ये था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके लिए एक कॉपी बना दीजिए, ऐसे स्टाइल चेंज करते जाएँ और मुख्तलिफ आप वॉलपेपर बनाते जाएँ, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैंने इनमें से कुछ ये चीज़ें बना के रखी हुई हैं, बस क्लिक करें इन पर और अप्लाई कर दें, वहाँ लगाएं एक्सटेंशन को ऐड करें और मज़े करें। चलें अब लास्ट में बता देता हूँ मैं आपको इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। लाइन आ रही है इसकी आउटलाइन ब्लैक, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ऐसे, कंट्रोल ई करूँगा, यहाँ से मैंने इसको डिलीट मुबारक के नाम से सिलेक्टेड ओनली करना है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर हैं, वो सारे ही एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे और बहुत वक्त लग जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट करके लिया ना, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है,
سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے سلیکٹڈ اونلی پہ لازمی کلک کر دینا ہے. ایکسپورٹ کریں گے, یہ فائل ایکسپورٹ ہو رہی ہے. یہاں سے ویو دکھائے گا اور یہ اس کا سائز ہوتا ہے 2.68 MB. اور یہ اوکے کرتے ہیں, ہماری فائل ایکسپورٹ ہو گئی. اب اس کو چیک کرتے ہیں. جیسے بھی یہ فائل تھی ہماری. اب یہاں پہ وال پیپر پہ رائٹ کلک کریں اور سیٹ ایز بیک گراؤنڈ کر دیں. یہ بالکل فٹ وال پیپر کے اوپر, وال پیپر اس کے اوپر اپلائی ہو جائے. تھینک یو فار واچنگ. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ لائک اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.